हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन के बारे में स्टडी कर लिया था। ये भी जाना था कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहते हैं, ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है ना, उसके बाद हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। आज हम जानेंगे कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टीज क्या है, यानी आज इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ध्यान दीजिए, चूंकि ब्लीचिंग पाउडर का नाम ही दिया हुआ ब्लीचिंग पाउडर, हम ये भी जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है इसका वो क्या है, इसका ब्लीचिंग नेचर। इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ब्लीचिंग नेचर, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम आपको बता चुके हैं कि वैसा केमिकल सबस्टांस विच डीकलराइज द कलर मैटर, जो कलर मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है, विच डीकलराइज द कलर मैटर। ठीक है, उस केमिकल सबस्टांस को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किसी कलर मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है, और इस तरह से ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट का काम कैसे करता है ये भी हमने आपको बताया कि जब ब्लीचिंग पाउडर वेरी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, CaCl2 के साथ साथ हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये हाइपोक्लोरस एसिड फर्दर डिकम्पोज होने के बाद HCl के साथ नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को ही हम एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन किसी कलर मैटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो इस कलर मैटर को ये डीकलराइज करने का काम करता है, दैट मींस इट डीकलराइज द कलर तो ये कलर मैटर को डीकलराइज करने का काम करता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा कि इट एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इट डीकलराइज द कलर मैटर। ठीक है, और इस ब्लीचिंग पाउडर में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए, अब कह रहे हैं यहां पर इसका सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये लाइट एलोइस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ लाइट एलोइस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, यानी लाइट एलोइस कलर का होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि जब अभी मैंने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर लाइट एलोइस व्हाइट इन कलर का पाउडर होता है, लेकिन व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, लेकिन जब इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है तो हम देखते हैं इट बिकम्स मिल्की व्हाइट, ये मिल्की व्हाइट में चेंज होता है। तो आखिर ये मिल्की व्हाइट में चेंज क्यों हो जाता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ध्यान दीजिए। तो कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर ये लाइट एलोइस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, एंड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू एयर देन इट डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट टू एटमोस्फेरिक
CO2। तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक CO2 के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, एंड रिएक्ट विद देम, और उससे क्या करता है, रिएक्ट कर देता है एंड रिएक्ट विद, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करता है। जब करा व्हेन बिल्चिंग पाउडर इज एक्सपोज्ड टू एयर देन इट डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक CO2 एंड रेडी विद, और जब ये CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 के कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट में आने के बाद उससे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। देखिए अब जब ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl CaOCl comes in contact with atmospheric CO2, it react with them, ये इससे क्या करता है, react करता है, और react करने के बाद it gives CaCO3 with the evolution of Cl। तो ये क्या करता है, calcium carbonate के formation के साथ साथ Cl2 gas का भी evolution करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान, अभी मैंने बताया कि ये जो CaOCl होता है ये लाइट एलोइस व्हाइट होता है, लाइट एलोइस व्हाइट इन कलर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की व्हाइट इन कलर होता है, ये मिल्की व्हाइट इन कलर होता है, ठीक है। अब सोचिए, तो अभी हम आपने क्या कहा, अभी क्वेश्चन क्या था कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज्ड टू एयर then its light yellowish milky white color will change into milky white। तो ये milky white में चेंज होता है, क्यों हो जाता है, तो due to the formation of calcium carbonate, due to the conversion of calcium carbonate it becomes milky white, ठीक है। यानी जब ब्लीचिंग पाउडर को एयर में एक्सपोज किया जाता है it directly come in contact to atmospheric CO2 and it react with it, और after reaction it gives calcium carbonate, और calcium carbonate milky white in color होता है। तो hence we can say due to the reconversion of calcium, due to the conversion of calcium carbonate it becomes milky white, इसी कारण इसका light yellowish white color जो होता है वो milky white color में change होता है। क्यों change होता है, क्योंकि अब ये bleaching powder calcium carbonate में change होता है, ठीक है। जब इसे spreading drains या exposed to air किया जाता है तो वो atmospheric CO2 के contact में आने के बाद calcium carbonate का formation करता है, ठीक है। अब वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं रह जाता है बल्कि वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होता है। तो इसी तरह से ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट बिकम्स मिल्की व्हाइट, ठीक। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ इसमें Cl2 गैस का इवोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक। इसी कारण आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जब ब्लीचिंग पाउडर को स्प्रेड इन ड्रेन्स किया जाता है देन यू फील अ स्मेल, वो स्मेल आता कहां से, ठीक है। तो यही Cl2 गैस जब एटमॉस्फेरिक CO2 कांटेक्ट में आने के बाद ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होता है तो इसके साथ साथ Cl2 गैस का भी इवोल्यूशन होता है, और यही Cl2 गैस रीचेज अस एंड देन वी फील अ स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। हेंस वी कैन से इन केस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इन केस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हैज अ स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। चूंकि ये क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन होता है और यही क्लोरीन गैस हम तक पहुंचता है एंड देन वी फील अ स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है, कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर का लाइट एलोइस व्हाइट कलर व्हाइट में चेंज क्यों हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में एक स्मेल होता है, वो स्मेल किसके कारण होता है, Cl2 गैस के कारण होता है, ठीक है। तो आपके पास दो क्वेश्चन का सोल्यूशन आ चुका होगा कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर के पास एक स्मेल क्यों होता है, किसके कारण होता है, और दूसरा इसका लाइट एलोइस व्हाइट कलर वो पूरी तरह से व्हाइट कैसे हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड विद द इवोल्यूशन ऑफ Cl2 गैस इट हैज अ स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस एंड इट बिकम्स मिल्की व्हाइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना कर लीजिए, अब इसके बाद चुके मुझे मिटाना होगा, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। नंबर थर्ड कह रहा है आप कि ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ठीक है, पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है। देखिए आप, एजेंट, एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला, एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला। कैसा काम? तो ऑक्सीडाइज करने वाला काम। ठीक है, यानी वैसा केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, उस केमिकल सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करे, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता बल्कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर खुद ऑक्सीडाइज नहीं होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, हेंस वी कैन से इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले कह रहा है कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद अमोनिया, अगर ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है, देन इट ऑक्सीडाइज अमोनिया टू N2। तो ये क्या करता है, इस अमोनिया को N2 में चेंज कर देता है, मतलब ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, यानी ये जो अमोनिया है इट विल ऑक्सीडाइज इनटू N2, ये N2 में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, जब ब्लीचिंग पाउडर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद इसे N2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर N2 में कन्वर्ट करने से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे करने लगा, यहां देखिए। तो जब ब्लीचिंग पाउडर NH3 के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, CaCl2। ठीक है, प्लस क्या बनाता है, H2O, और इसके साथ साथ N2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये NH3, ये NH3 जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन करते किस पे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ O2, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन इन केस ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन बाहर निकलने के बाद ये क्या बन गया, N2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां पर NH3 हाइड्रोजन को हटाने का काम कर रहा है, मतलब NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, यानी इन दोनों के बीच ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और इसे जब इन दोनों के बीच ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें NH3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि NH3 हाइड्रोजन को हटाने का काम कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन से NH3 इज ऑक्सीडाइज्ड। अब यहां से NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसे ऑक्सीडाइज करने का काम कौन कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर कर रहा है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहां पर ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कैसे करता है। ठीक है, यानी ये अमोनिया को N2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, चलिए कुछ दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। हां, नेक्स्ट, अब कह रहा है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अगर रिएक्शन करता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट के साथ होगा, तो क्या होगा। देखिए, जब ब्लीचिंग पाउडर पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये पोटेशियम नाइट्राइट को पोटेशियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये पोटेशियम नाइट्राइट को पोटेशियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और प्लस क्या बनता है, CaCl2 का फॉर्मेशन करता है।
ठीक। तो चूंकि अब देखिए ये ब्रिजिंग पाउडर पोटासियम नाइट्राइड से रिएक्ट करता है, तो इस पोटासियम नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम 2 है, यहाँ से एटम 3 है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, जुटा होगा, है ना, एडिशन ऑफ O2 हो रहा होगा। और हम जानते हैं द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, देन वी कैन से KNO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी इस प्रोसेस में KNO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर KNO3 में कन्वर्ट हो गया। अब जब KNO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसे ऑक्सीडाइज करने का काम कौन किया, COCl किया, ब्रिजिंग पाउडर किया, यानी ब्रिजिंग पाउडर क्या करता है, अपने ऑक्सीजन को इसे दे देता है, जिस कारण ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइड, व्हाट विल हैपन, देन वी कैन से पोटेशियम नाइट्राइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम नाइट्रेट, दैट मींस इट ऑक्सीडाइजेस KNO, यानी KNO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है इन KNO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगेन अगेन अगर ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद H2S। अब कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन H2S के साथ, ठीक, तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, इस H2S से रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, ये तुम्हारा दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर H2S से रिएक्ट करने के बाद ये H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, और H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइज्ड H2S2S, यानी ब्लीचिंग पाउडर H2S को S में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। कैसे करता है देखिए, हम ये ब्लीचिंग पाउडर, जब ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये देता क्या है, इट गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस S, ठीक। अब देखिए यहां से H2S कन्वर्ट किस में हो गया, सल्फर। अब जब H2S सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटाने का काम कर रहा है, और हम जानते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इस प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को हटाने का काम कर रहा है, हाइड्रोजन को हटाता है तो सल्फर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसे ऑक्सीडाइज करने का काम कौन कर रहा है, तो हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर कर रहा है, हेंस वी कैन से ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी यहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, है ना। चलो अब देखिए, ठीक है, इसे मिटा दें। अब अगर कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO, अगर ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ किया है, तो क्या होता है, देखते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये Cl2 गैस का इमोलेशन करता है, ठीक। देखिए CaOCl प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, ये क्या बनाता है, तो दिया हुआ है आपका CaSO4, ठीक है, प्लस H2O प्लस Cl2 गैस का इमोलेशन करता है, ठीक। अब यहां पर जो Cl2 गैस बाहर निकला, इसी Cl2 गैस को हम क्या करते हैं, एवेलेबल क्लोरीन का नाम देते हैं, एवेलेबल क्लोरीन का नाम देते हैं,
ठीक है। अब अवेलेबल फ्लोरीन के बारे में हम आपको बता चुके थे, ए गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेंस 35 to 38% ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, 35 to 38% ऑफ क्लोरीन गैस, दैट इज कॉल्ड द अवेलेबल क्लोरीन, जिससे हम अवेलेबल क्लोरीन का, ठीक है हाँ, इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के बहुत से प्रॉपर्टीज हैं, और उस प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज को हमने आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका यूज क्या होता है, हम कहाँ कहाँ ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।